बढ़ती जनसंख्या और वाहनों के दबाव को देखते हुए नए बस स्टैंड निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन बस स्टैंड शहर से दूर भेजे जाने का विरोध भी शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि बस स्टैंड का स्थल चयन शहर से 3 किलोमीटर दूर ऐसे स्थान पर किया गया है जहां जाने में लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। जिस मार्ग से होकर नए बस स्टैंड पहुंचते हैं वो काफी सकरा है। एक चार पहिया वाहन आने पर वहां पर बाइक सवार के लिए भी रास्ता नहीं बचता। शहर में रोज 400 से 500 छोटी बड़ी गाड़ियां बस स्टैंड आती हैं। बस स्टैंड के ठीक पहले नहर जिस बना पुल इतना मजबूत नहीं है कि प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों का दबाव झेल पाए। भाजपा सरकार के समय स्थल चयन को लेकर खुद भाजपा के पदाधिकारियों ने ही इसका विरोध किया था। इस बीच कांग्रेस ने आरोप भी लगाया था कि व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नए बस स्टैंड का स्थल चयन किया गया है। नए बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है उसमें निश्चित रूप से शहर के लोगों को असुविधा तो होगी, पर उसके लिए नगर पालिका कहीं न कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिससे नगरवासियों को समुचित संसाधन मिल सके और जो नए बस स्टैंड का लाभ है वो प्रत्येक नागरिक को यात्रियों को मिल सके। अधिक जानकारी के लिए प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरह से हालात हम देख रहे हैं बस स्टैंड के और लोगों की लगातार मांगे हैं, क्या लगता है कुछ बदलाव किया जाएगा, इसको बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाएगा, और जहां पर ये बस स्टैंड का निर्माण कराया गया है और क्या क्या परेशानियां वहां पर लोगों को होती है पहुंचने में? तो बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो जिस हिसाब से जो शहर है वो लगातार जिसकी आबादी जो है बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए शासन ने नए बस स्टैंड का निर्माण किया है। 10 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक बस स्टैंड निर्माण किया है, लेकिन जो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, जो तत्कालीन जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने जो है एक कवर्धा शहर के जो बस स्टैंड को जहाँ से स्थानीय लोग चयन किए वो बिल्कुल अब गलत साबित हो रहा है, क्योंकि उस स्थान में आने जाने के लिए और जो ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। काफी गली जो है सकरा गली है, और जैसे कि जो आम लोग हैं उनको अगर कहीं बस स्टैंड जाना होगा तो उनको शहर से लगभग 3 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। इसके वजह से इसके पहले भी इस बात को लेकर जो है कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने विरोध जताया था, उसके बाद भी जो है वर्तमान जो बीजेपी की जो सरकार थी उन्होंने अपने फायदे के लिए और अपने जमीनों के को देखते हुए वहाँ। चलिए आपको रोकना चाहूंगी, नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं बता दूं यहाँ पर कवर्धा में जिस तरह से वन वे रोड बनाया गया, बस स्टैंड बनाया गया है, जो पूरी तरह से हम देखें उसका रास्ता बहुत सकरा है। लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इसका रास्ता बदला जाए, क्योंकि वहां पर जाने के लिए लोगों के पास विकल्प नहीं है। किस तरह के बदलाव यहां पर किए जाएंगे? देखिए, पूर्व की सरकार ने और नगर पालिका ने कवर्धा में नए बस स्टैंड का निर्माण किया था, क्योंकि अभी वो पूर्ण हुआ नहीं है, लगभग पूर्णता की ओर है। यह बात निश्चित रूप से सही है कि बस स्टैंड का निर्माण व्यक्तिगत लाभ के लिए और अव्यवहारिक रूप से किया गया है, लेकिन चूंकि करोड़ों रुपए के माध्यम से करीब 10 करोड़ का मामला है और बस स्टैंड का निर्माण हो चुका है जी। अब कहीं ना कहीं शहरवासियों को और यात्रियों को सुविधा तो देनी पड़ेगी जी। तो इसके लिए एक मैं अभी जो प्रथम सम्मेलन होगा माननीय पार्षदों का, तो मैं उस बात इस बात को उनके सामने रखूंगा और कुछ वैकल्पिक रास्ता तय करने की बात करेंगे, ताकि यात्रियों को समुचित उसका बस नए बस स्टैंड का लाभ मिल सके। बाकी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषि जी। और लगातार संवाददाता प्रदीप जुड़े हुए थे। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच खबर मिल रही है देवास से, जहां पर जिला